नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब लाल के ऊपर और साथ में जो कि प्राची के ऊपर बंदूक तान देता है वो जो कि अपराधी है। जी हाँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि किडनैपर इस समय बहुत बड़ा प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है और अपने आगे वो किसी की सुन भी नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर में जो जान बचाएगा वो कोई और नहीं बल्कि रणवीर की अब मारपीट होने जा रही है उसी इंसान के साथ में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि रणवीर अपने होते हुए कभी भी प्राची को टेंशन में नहीं डालना चाहता और वाकई में दोस्तों अब आखिरकार रणवीर की बदौलत ही अब सभी लोगों की यहाँ से जान छूटती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि रणवीर ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि मेरे होते हुए मैं कभी किसी के साथ में कुछ बुरा होने ही नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बात की जाए इस समय की, तो इस समय कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय प्राची की। तो प्राची डरी हुई भी है क्योंकि दोस्तों उसे किसी भी तरीका से जिंदा भी रहना है और जिंदा रह कर जो कि खुशी की जान भी बचानी है, क्योंकि दोस्तों खुशी अभी भी इन गैंगस्टरों के पास में है, इन अपहरणकर्ता के पास में है जिन्होंने किडनैप किया था खुशी का। साथ ही दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि रणबीर की एंट्री होने के बाद में रणबीर इनके साथ में मारपीट करता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और मिल रही है, रिया पूछती हुई नजर आने वाली है रणबीर से कि तुम्हें क्या जरूरत थी ये बताओ, उस आखिरकार तुम बार बार उस छोटी बच्ची खुशी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो, वो तुम्हारा तो बच्चा नहीं है जो तुम उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, जिसका बच्चा है वो ले तो ठीक भी है लेकिन तुम बार बार उस बेटी में क्यों दिलचस्पी ले रहे हो। और इसी चीज़ को अक्षय भी पूछता हुआ नजर आने वाला है प्राची से कि प्राची बात क्या है, पूरा माजरा क्या है, वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा हमें, जिसके बाद में प्राची की भी खूब खिंचाई होने वाली है वो भी अक्षय के थ्रू। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।